कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स डे टू एंड जदि आपनो फेसबुक रे फॉलो करबा को चाहू थांती तबे आपनो फेसबुक पेज नेम मेक इंग्लिश ऑफिशियल आपनो सर्च करंतु फेसबुक रे आपनो को सामने रे ए पेज आसीचबो एंड आपनो निश्चय फॉलो करंतु काहे कि ना एथिरे भी आपनो न्यू वे रे इंग्लिश सिखिबे एंड जदि भी आपनो यूट्यूब रु कोनोसी वीडियो मिस करि जाउछन्ते तले आपनो निश्चिंत सेही वीडियो फेसबुक रे भी पाइजिबे एंड डेली यूज वोकैबुलरी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस ए सब भी आपनको फेसबुक पेज से मिल जिवो जोटा कि आपनको इंग्लिश सिखिबारे बहुत हेल्प करिवो डेली इंग्लिश प्रैक्टिस हे जिवो गोटे ओके सो सेतलाकि निश्चय ए पेज को फॉलो करंतु मेक इंग्लिश ऑफिशियल आज हम इंग्लिश ग्रामर रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करिवो दैट इज प्रोनाउन प्रोनाउन कौन एंड तार प्रकार कौन रही केते टाइप्स रो प्रोनाउन रही से सब आम डिटेल वीडियो रे जानिबा एंड बहुत इजी मेथड रे ओके इजी वे एंड इजी मेथड रे आम बुझिबा आपन जदि फर्स्ट टाइम पे देखु थांती ताहले भी आपन को बुझिबा पई बहुत इजी हेबो तो सेतिलागि वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चय देखंतु जोटा कि आपन पई ए वीडियो टी बहुत यूजफुल रहबो सो लेट्स बिगिन सो फर्स्ट आम जानिबा व्हाट इज प्रोनाउन प्रोनाउन कौन प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इन प्लेस ऑफ अ नाउन प्रोनाउन हेउचे गोटे शब्द प्रोनाउन हेउचे गोटे वर्ड बा गोटे शब्द जोटा आमे नाउन रो स्थान रे ही व्यवहार करि परबा बा नाउन परिवर्ते व्यवहार करि परबा बा आमे कहि परबा कि सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन मींस नाउन परिवर्ते बा नाउन बदल रे जे वर्ड व्यवहार करा जाय ताको आमे कोन कहबा प्रोनाउन कहबा यह विषय में डिटेल रे जानिबा पूर्वरु फर्स्ट आम यार टाइप्स जानबा कि प्रोनाउन केते प्रकार रहिछि ना सात प्रकार देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव और इंडेंसिव प्रोनाउन दुटा को सेम ही रहिछि ओके नेक्स्ट इंडेफिनेट प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एबे मे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स जानी गले ओके एबे पे तको वन बाय वन डिटेल ले जानिबा त पूर्वरे मे जानिबा कि नाउन नाउन परिवर्ते जो वर्ड व्यवहार करा जाय सेटा हेउछि कोन गोटे प्रोनाउन एंड नाउन को कहले कोन ना प्रत्येक नाम ओके प्रत्येक नाम हेउछि गोटे गोटे नाउन जे कोनसे आमे ना कहबा दुनिया रे जेते को भी वस्तु व्यक्ति जहा भी अछन समस्तक रो किछ ना किछ गोटे नाम रहिछि ना त से सब हेजबो गोटे गोटे नाउन त आमे जेमते किछ एग्जांपल्स नले कि रवि भलो पिला अटे रवि मोर सांग अटे रवि रो घर मो घर पाखर अटे एठी आमे तीनटा सेंटेंस कहुचे तीनटा सेंटेंस रे आमे कोन रिपीट करचे ना रवि ही रिपीट करचे काहेकि ना रवि विषय ही आमे कहुचे ना कि रवि भल पिला अटे रवि मोर सांग अटे रवि रो घर मो घर पाखरे अटे तले एठी आमे जत कहबा नाउन के ना रवि रवि होचे गोटे व्यक्ति रो ना बा पिला रो ना सेति लागि आमे नाउन सेटा गोटे नाउन हे गला बट जति आमे ए सेंटेंस को एमिति कहबा बार बार रवि रिपीट न करकरी बा नाउन को बार बार रिपीट न करी जति आमे एमिति कहबा कि रवि भल पिला अटे से मोर सांग अटे तार घर मो घर पाखरे अटे तले एठी जो आमे से तार यूज कले एटा कोन एटा होचे गोटे गोटे प्रोनाउन कारण एटा नाउन रिप्लेस रे आमे यूज कले ओके आमे रवि वर्ड बार बार रिपीट न करी आमे कहले कि रवि भल पिला अटे से मोर सांग अटे तो एठी नाउन जगह रे बा नाउन परिवर्त आमे कोन यूज कले रवि परिवर्त भी कोन यूज कले ना से यूज कले तापर सेमती कहले कि रवि रो आमे न यूज कली आमे कहले कि तारो घर मो घर पाखरे अटे तले ए से तारो एटा हे गला गोटे गोटे नाउन जोटा आमे प्रोनाउन हे गला जोटा आमे नाउन परिवर्ते व्यवहार कले एबे आमे एग्जांपल नबा कि से जणे भलो पिला अटे त एठी आमे कहबा कि ही इज अ गुड बॉय आमे कहि परबा नले सी इज अ गुड गर्ल आमे कहि परबा त एठी ही औ सी हेउची गोटे गोटे प्रोनाउन हे जिवो ओके बट एटा को प्रकार रो प्रोनाउन सेटा हमको जानिबा बहुत जरूरी सो आमे जो सेवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स जानिले सेटा फर्स्ट आमे जानिबा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब कौन कौन रही ही सी यू आई वी दे ए सब हो गोटे गोटे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहीं सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सब सब्जेक्ट स्थान रे ही थाए ना सब्जेक्ट कहले कौन कर्ता कर्ता को हमें सब सेंटेंस रो स्टार्टिंग रे ही यूज करता स्टार्टिंग रे ही रखी था तो से लगे कहूँ ए सब प्रोनाउन्स को हमें कह सब्जेक्टिव प्रोनाउन जमी कहले कि से जड़े भल पिला अटे तो हि इज अ गुड बॉय तो ये ही गला गोटे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहीं स्टार्टिंग रे ही हमें यूज करचे एंड नाउन परिवर्तन ही हमें यूज कले आमे कि कोनसे पिलार ना यूज न करकरे कहले कि से तो सेथिले कि ही हे गला बा सी हे जबो गोटे सब्जेक्टिव प्रोनाउन समते कहबा कि सेमानंकर दुईटा बाइक अछि दे हैव टू बाइक्स सेमानंकर दे हैव टू बाइक्स तो एठी दे हे गला ओटे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कने सब्जेक्ट जगह रे ही सब्जेक्ट स्थान रे ही व्यवहार हे छि ओके समते कहबा कि मु भलो अछि आई एम गुड
मु भल अच्छे आई एम गुड एटी आई हूँ गोटे सब्जेक्टिव प्रोनाउन बट आई गोटे नाउन भी हो पार कहीं निज ना कई धरिकी किसी कहते ना तो मुझे कह सपोज मुझे कह मु भल अच्छी जदि आपको पचार भी कि आप कह रवि भल अच्छे आप सपोज रवि आप रवि भल अच्छे कहे कि आप मु भल अच्छी तो मु गोटे नाउन हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हे ओके सेमती कह सी इज ब्यूटीफुल सी सुंदर अटे तो सी हेगला गोटे सब्जेक्टिव प्रोनाउन नेक्स्ट देखिबा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहले कौन ना हिम हर मी यू देम अस ए सब हेउचे गोटे गोटे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ए सब कामे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन काहेकि कहुचे ना ऑब्जेक्ट स्थान रे ही ए सब प्रोनाउन्स व्यवहार करा जाय सेतले कामे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहुचे जेमते कहबे कि लिसा मो सहित अछे लिसा इज विथ मी लिसा मो सहित अच्छे लिसा इज विथ मी तो एठी मी आमे एठी कोनसी ना न लेखिके आमे कोन लेखिले कि मी एटी मो ना न लिखिकी मो मी खाली कहले कि लिसा मो सहित अच्छे लिसा इज विथ मी तो एटी मी हे गलो ओटे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समती कहबा कि मयंक ता सहित थिला जदि आमे एटी कहितांदे कि मयंक रवि सहित थिला तले एटी रवि ओटे नाउन हे थांदा बट आमे को ना यूज न करके आमे प्रोनाउन यूज करजे कि मयंक ता सहित थिला मयंक वाच विथ हिम मयंक ता सहित थिला मयंक वाच विथ हिम तो एटी हिम हे गलो ओटे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओके सेमते कहबा कि आई वोंट गो विथ यू आई वोंट गो विथ यू मु तुम सह जिबिनी तो मु तुम सह जिबिनी एठी यू हेज बोट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओके आई वोंट गो विथ यू सेमते कहबा कि से माने हमको मना कर देले जदि कहबा कि दे रिफ्यूज टू अस दे रिफ्यूज टू अस से माने हमको मना कर देले तो एठी अस हेज बोट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओके नेक्स्ट देखिबा पॉजेसिव प्रोनाउन टू कैटेगरीज रे रहिछि फर्स्ट आमे देखिबा कि हिज हर माई योर देयर आवर इज एटा गोटे कैटेगरी ओके सेकंड कैटेगरी हिज हिज हर्स माइन योर्स देयर्स आवर्स एटा हिज आ गोटे अदर कैटेगरी ओके तो पॉजेसिव प्रोनाउन टू कैटेगरीज रे रहिछि बट आमे जानिबा कि पॉजेसिव प्रोनाउन कहले कोन पॉजेसिव मीन्स हेउछि अधिकार तो अधिकार को सूचोइबा अधिकार को दर्शेबा बा अधिकार को सूचोइबा तको आमे पॉजेसिव प्रोनाउन कहबा जो वर्ड अधिकार को सूचो थाए बा अधिकार को दर्शाउ थाए तको आमे पॉजेसिव प्रोनाउन कहबा ओके तो एबे जो हमर जो टू कैटेगरीज रहिछि एबे आमे तको एग्जांपल्स थ्रू और डिटेल रे बुझबा कि एमन को मधे डिफरेंस कोन रहिछि काहू को आमे कोठी यूज करबा ओके सो एबे आमे एग्जांपल गोटे देखिबा कि एहा मो बही अटे मु कहली कि एहा मो बही अटे एठी अधिकार बा पॉजेसिव वर्ड त कोन रहले ना मो एहा मोर बही अटे आमे कहि परबा नले एहा मो बही अटे बा एहा मोर बही अटे तो मोर हेतु रे पॉजेसिव वर्ड जोटा कि अधिकार को सूचौ ना कि यह मोर बही अटे तो ये हमें ट्रांसलेट कले कि दिस इज माय बुक दिस इज माय बुक बट जदि मु कह कि एही बही मोर अटे एही बही मोर अटे तले ये मु यूज करबी दिस बुक इज माइन एठी हमें टिके जोर दे कहचे बा अधिकार दर्शाउचे कि एही बही मोर अटे दिस बुक इज माइन तले मन को मते डिफरेंस कोन रहिचे अपन गोटे पॉइंट मन रखंतु जहाद्वारा आपनको यूज करबा को एंड बुझबा को सहज हेबो पॉजिटिव प्रोनाउन सहित जो वर्ड लगे थी आप कैटेगरी वन यूज करेंगे मीन्स हिज हर पाई योर देयर आवर ए सब वर्ड यूज करेंगे जमती कि पॉजिटिव प्रोनाउन आम गोटे कहले कि माई जमती कि आम कहले कि मो बही लगे कि अच्छे पॉजिटिव वर्ड सहित आ गोटे वर्ड बा नाउन लगे कि अच्छे कि मो बही एठी आम कह माई बुक सेमती कह से बैग देयर बैग ता बही बा ता कलम जदि कहबा हिज पेन बा हर पेन एटी मीन्स पॉजिटिव वर्ड सहित आउटे वर्ड लागी कि अछि जेमति कि मो बही मो गोटे हेगले मोर हेगले गोटे पॉजिटिव वर्ड मोर ता सत आ गोटे वर्ड लागी कि रहू कि बही तो मो बही माय बुक तो माय आमे एटी यूज करबा फर्स्ट कैटेगरी वर्ड्स एटी यूज करबा मीन्स पॉजिटिव वर्ड सहित आउटे वर्ड जदि लागी कि थिबो बा नाउन जदि लागी कि थिबो बट जदि पॉजिटिव वर्ड जदि सेपरेट थिबो अलग हे कि थिबो सेठी आमे सेकंड कैटेगरीज रो ऑल वर्ड्स यूज करबा पॉजिटिव वर्ड जदि सेपरेट थिबो बा अलग थिबो सेठी आमे सेकंड कैटेगरी वर्ड्स यूज करबा जेमते कहबा कि ए बही मोर अटे एठी ए बही हेगला कोन सब्जेक्ट एठी ए बही बा एही बही दिस बुक एटा गोटे सब्जेक्ट हेला ता परे मोर जो अधिकार बा पॉजिटिव वर्ड टा एटा सेपरेट रहूचे अलग है कि रहूचे तो एठी आमे सेकंड कैटेगरी रो ऑल वर्ड्स यूज कर परबा कि मोर अटे पे एठी आमे माई यूज न करकी यूज करबा माइन दिस बुक इज माइन
एंड कहिबा केमिति ना ए बही मोर अटे दिस बुक इज माइन आउट अपन अपन मन रखंथ कि सेकंड कैटेगरी रो जहा भी वर्ड्स रहिछ ना से सब सब बले हमें लास्ट रे ही यूज करबा ओके लास्ट रे ही यूज करबा सेमिति कहिबा कि सेइटा ता बही अटे ता बही तो ये हमें यूज करबा हर बुक नले हिज बुक दैट इज हर बुक नले दैट इज हिज बुक सेइटा ता बही पॉजिटिव वर्ड सहित आउट वर्ड लागे कि अछि बट जते हमें कहिबा से बही तार अटे एठी पॉजिटिव वर्ड सेपरेट हे कि अछि That book is hers. And जो तेरे कहे बाकी that book is his. कने his रो his ही रहेगा her रो her से ही होजी. तो ये सब words अपन को मन रखना पड़ेगा कि her टा her से ही होजी. But जो तेरे कहे बाकी his ही रहेगा. Mine टा mine ही होजी. Your टा yours से ही होजी. Their से ही होजी. Our से ही होजी. Okay. So एबे अपन category 1 and category 2 रो words सबु किमती को meaning रे use करेंगे. सर अपन बुझी जाइथबे नेक्स्ट हमें देखिबा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन प्रोनाउन एडी वर्ड सेम रहिछि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंटेंसिव प्रोनाउन रो वर्ड सेम रहिछि बट एमनक मथरे डिफरेंस कोन रहिछि ना यूज रो डिफरेंस रहिछि कि काहा को हमें कोठी व्यवहार करबा सेटा हमें जानिबा तो रिफ्लेक्सिव कहले बा इंटेंसिव कहले कोन ना सेल्फ मींस निजे निजे कथा कहबा बा निजे कोनसे कार्य करबा निजे सेल्फ मींस कोन निजे बा निजे को बुझौछ ना तो से सेल्फ ही हमें यूज करबा जेमते कि हिमसेल्फ हरसेल्फ माईसेल्फ योरसेल्फ बा योरसेल्फ्स देमसेल्फ्स आवरसेल्फ्स तो इट इज सब सेल्फ लागिछ सेल्फ कहले निजे बा निजे को तो रिफ्लेक्सिव बा इंटेंसिव प्रोनाउन कहले कोन हमें सेटा जानले एबे हमें एग्जांपल्स थ्रू बुझिबा जमी मु कहबी मुझे करी कहली एठी निजे वर्ड आसुचे मुझे करी तो निजे वर्ड आस जानपरले कि रिफ्लेक्सिव ना इंटेंसिव प्रोनाउन यूज करवा सेमती कहबी कि मुझे ही एहा को करी ये दुटे सेंटेंस मधे डिफरेंस कौन रही फर्स्ट में जानवा जदि मु कहबी कि मुझे निजे करी तले मु नॉर्मल कहूँ कि मु नॉर्मली कहूँ कि मुझे निजे करी बट जदि मु एमती कहबे कि मु निजे ही या को करी तले मु ये कथा को जोर दे कहूँ बा मु ये सेंटेंस को एम्फासाइज करूँ ना एम्फासाइज करूँ मीन्स जोर दे कहूँ कि मु निजे ही या को करी ओके मीन्स आउ के ही मते सहायता करिवेनी बा आउ के करिवेनी मु निजे ही एहा को करिवे त निजे ही हम जते यूज करबा एठी हमें इंटेंसिव प्रोनाउन यूज करबा अन जते हम कहबा कि मु एहा को निजे करिवे एठी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करबा बट हमें कोडी यूज करबा पोजीशन हमें जानिबा जरूरी जेंते कहबा कि मु एहा को निजे करिवे एठी हमें कहबा कि आई विल डू इट माइसेल्फ एही एग्जांपल को बुझला परे हमें एहरो डेफिनेशन जानिबा पर ता पूर्वरो आपण एग्जांपल्स क्लियर होंतो जोटा के आपण को डेफिनेशन बुझबारे सहज होइबो आई विल डू इट माइसेल्फ एठी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज कले जोटा हमें सेंटेंस रो लास्ट रे यूज कले मु एहा को निजे करबी एठी हमें कहबा कि आई विल डू इट माइसेल्फ काहे कि ना एटा ए सेंटेंस हमें नॉर्मली कहूचे तो एथले कि हमें एठी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कले मीन्स निज विषय ही कहूचे सब्जेक्ट निज विषय ही एठी कहूचे सेतलागी लास्ट रे माइसेल्फ यूज हला आई विल डू इट माइसेल्फ जदि हमें कहबा मु निजे ही एहा को करबी ए सेंटेंस को हमें जोर दे कहूचे बा एम्फासाइज करूचे सो ए सेंटेंस को हमें केमती कहबा ना आई माइसेल्फ विल डू इट आई माइसेल्फ विल डू इट मु निजे ही एहा को करबी तो आई जोटा कि हमरो गोटे प्रोनाउन भी कहि परबो नले नाउन भी कहि परबो तो से नाउन बा प्रोनाउन परे परे ही हमें इंटेंसिव प्रोनाउन यूज करबा जोटा कि माइसेल्फ एठी हमरो निजे ही अछि मु निजे सेत लागि हमें यूज करले माइसेल्फ तापर हमें सेंटेंस यूज करले कि विल डू इट तो एठी जो सेकंड रे हमें जो सेंटेंस रे यूज करले माइसेल्फ जोटा कि नाउन बा प्रोनाउन परे परे यूज करले ताकु हमें कहबा इंटेंसिव प्रोनाउन एंड जो फर्स्ट सेंटेंस रे हमें जो लास्ट रे माइसेल्फ यूज करले ताकु हमें कहबा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सेकंड सेंटेंस रे कि मु निजे ही एहा को करबी एठी आई हे जोछि गोटे एंटीसिडेंट एंटीसिडेंट कहले कोन ना पूर्व वर्ड अनुजाई आमे आगरे जहा भी वर्ड किछि यूज करबा पूर्व वर्ड अनुसार बा पूर्व वर्ड अकॉर्डिंग आमे आगरे जहा भी किछि वर्ब हेउ वर्ड हेउ यूज करबा पूर्व वर्ड अनुसार ताकु आमे कहबा एंटीसिडेंट एंटीसिडेंट जोटा कि एठी आई हेउछि एंटीसिडेंट जदि आपण बुझी पारु नाहंती ताले किछि कथा नै एबे आमे डेफिनेशन जानबा तापर आमे आउ किछि एग्जांपल्स थ्रू बुझिबा सो फर्स्ट आमे जानबा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहले कोन ना सब्जेक्ट रो निज विषय रे किछि कहा जिबा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आमे सेठी यूज करबा जोटे सब्जेक्ट ता निज विषय रे किछि माने कहा जाउथबो सब्जेक्ट रो निज विषय रे से वाक्य रे किछि कहा जाउथबो जोटे आमे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस रो सबले लास्ट रे यूज करबा ओके एंड इंटेंसिव प्रोनाउन कहले कोन ना नाउन बा प्रोनाउन नाउन बा प्रोनाउन रो परे परे आसी था इंटेंसिव प्रोनाउन
ओके एंड आउ ताको एम्फसाइज करे मींस सेई वर्ड को जोटा कि हमें कहबार ना से नाउन एंड प्रोनाउन हिज वर्ड एंटीसिडेंट एंड ता परे परे ही आसीबो इंटेंसिव प्रोनाउन एंड सेई एंटीसिडेंट को बा नाउन बा प्रोनाउन को ही एम्फसाइज करे थाए एबे मे आउटे एग्जांपल देखिबा कि रवि नीचे जीवो अपनो ओडिया रु भी बुझंदो कि रवि नीचे जीवो हमें ठी कहूचे कि नॉर्मली ही हमें कहूचे कि रवि नीचे जीवो तो एठी कोनो माने सब्जेक्ट विषय ही कह जाउचे कि नहीं कि रवि नीचे जीवो सब्जेक्ट रो निज कथा ही कह जाउचे ना सब्जेक्ट रो निज विषय ही कह जाउचे कि रवि नीचे जीवो तो एठी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करले कि रवि विल गो हिमसेल्फ रवि अच्छे हिमसेल्फ जदि हम कहबा कि प्रिया निजे जीवो तले हम इठी कोन कहितां दे प्रिया विल गो हरसेल्फ तो जहां सब्जेक्ट थिबो सही अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन यूज करबो तो रवि विल गो हिमसेल्फ एंड इठी सेंटेंस रो लास्ट रे हमें जो हिमसेल्फ यूज करले एटा हे जीवो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें सब बोले सेंटेंस रो लास्ट रे यूज करबा एंड तर मीनिंग कोन होबा नॉर्मली माने हमें कहबा कि रवि नीचे जीवो बट जदि हमें कहबा कि रवि नीचे ही जीवो ए सेंटेंस को हमें जोर दे कहने एम्फसाइज कर छे कि नहीं कि रवि नीचे ही जीवो तो एठी हमें कोन करबा ना रवि जोटा कि ओटे नाउन नाउन बा प्रोनाउन परे परे ही इंटेंसिव प्रोनाउन यूज हेबा हमें जानले एंड से नाउन बा प्रोनाउन हिजबो गोटे कोन से नाउन बा प्रोनाउन हिजबो गोटे एंटीसिडेंट तो से एंटीसिडेंट परे ही हमें यूज करबा इंटेंसिव प्रोनाउन तो जेते हमें कहबा कि रवि निजे ही जीवो सेठी हमें कहबा रवि हिमसेल्फ रवि बा नाउन परे ही डायरेक्ट आसीबो इंटेंसिव प्रोनाउन रवि हिमसेल्फ विल गो एंड जदि रवि जगह एठी थांदे कि से निजे ही जीवो तले ही हिमसेल्फ हमें कहितांदे तो एठी ही हे गेला गुड कोन प्रोनाउन तो हमें जानले कि प्रोनाउन बा नाउन परे परे जदि जहा भी आसीबो तको हमें कोन कहबा एमती सेल्फ वाला वर्ड आसीले तको हमें कहबा इंटेंसिव प्रोनाउन ओके आउट एग्जांपल देखिबा कि तुमे दिल्ली निजे जीवो तुमे दिल्ली निजे जीवो यू विल गो टू दिल्ली योरसेल्फ तो हमें जान पड़े कि योरसेल्फ यूज हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं ना लास्ट रे यूज होते खाली नॉर्मल ही कहे कि तुमे दिल्ली निजे जीवो आउट पॉइंट अपन मन रखु कि हमें सेल्फ यूज करते योरसेल्फ एस ई एल एफ कहीं ना ये जन विषय कहे जन व्यक्ति विषय कहे से योरसेल्फ जदि कहबा योरसेल्फ तारो मीनिंग हेजबो कि मोर देन वन एक रो अधिक जतले प्लुरल हेजबो सेठी हमें सेल्फ यूज करबा एस ई एल वी ई एस ओके सिंगुलर थिले हमें सेल्फ यूज करबा प्लुरल हे गले एक रो अधिक हेले सेल्फ तुमे दिल्ली निजे जीवो यू विल गो टू दिल्ली योरसेल्फ नेक्स्ट देखिबो इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहले कोन ना अनिर्दिष्ट प्रोनाउन मींस अनिर्दिष्ट व्यक्ति वा वस्तु को सूचाइबा पई व्यवहार करा जाय मींस कोनसी माने निर्दिष्ट कोनसी व्यक्ति वस्तु नथिबो ना बहुत गुडे थिबो तो अनिर्दिष्ट हिजबो तो सेठी हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करबा एंड से इंडेफिनिट प्रोनाउन्स कोन कोन रहिछि ना ऑल बोथ ईच फ्यू एवरीवन मेनी नॉन एटसेट्रा ओके ए सब हेउछि गोटे इंडेफिनिट प्रोनाउन मींस अनिर्दिष्ट व्यक्ति वा अनिर्दिष्ट वस्तु पाखे रही हमें यूज करबा बा अनिर्दिष्ट व्यक्ति वा वस्तु को सूचाया पई हमें ए सब वर्ड यूज करबा जहा को हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहबा ओके एठे मोटे एग्जांपल नेले एठे हमें तीनटा एग्जांपल देले कि रवि इज अ नाइस बॉय तापर मु कहले कि रोहन इज अ नाइस बॉय आउटे पिला को भी कहले तापर आउटे पिला विषय कहू कि मयंक इज अ नाइस बॉय तले एठे मु तीनटा सेंटेंस कहले तीनटा पिला को विषय रे मु कहले बट एठे तीनटा सेंटेंस हमें न कहे कि जदि हमें चाहेबा गोटे सेंटेंस कहबा पई सेठी हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर परबा सो एठे हमें कहि परबा ऑल आर नाइस बॉय तो एठे हमें तीन जन को ना नहीं कि जो तीनटा सेंटेंस कहुतले सेठी हमें तीनटा सेंटेंस आउ सेमती न कहि कि ऑल वर्ड यूज कले जोटा कि तीन जन को ही बुझेला ऑल आर नाइस बॉयज तो एठी ऑल हे गला गुटे इंडेफिनिट प्रोनाउन जोटा कि गुटे अनिर्दिष्ट ऑल जदि मु कहबे अनिर्दिष्ट को बुझेबो ना पर्टिकुलरली कहा को बुझेबो कि बुझेबोनी तो एटा हे गला गुटे इंडेफिनिट प्रोनाउन सेमती जदि मु कहबे राधिका इज माई सिस्टर प्रिया इज माई सिस्टर बट जदि मु ए सेंटेंस को कनेक्ट करि कहबी कि बोथ आर माय सिस्टर त एटे बोथ हे जिवो गोटे इंडेफिनिट प्रोनाउन ओके बट आपन को ए सब वर्ड्स मन रखियो पड़िबो नहले आपन प्रैक्टिस करले आपन जानि भी जिवे कि बोथ आर माय फ्रेंड्स बा बोथ आर माय सिस्टर्स त एटे बोथ हे जिवो इंडेफिनिट प्रोनाउन कैना अनिर्दिष्ट को ही सूचौछि अनिर्दिष्ट व्यक्ति विषय कह कह जाउछि बा सूचौछि सेमती जदि मु कहबी कि आई लव माय ब्रदर I love my sister. I love my mother. But एठी तीनटा सेंटेंस को मिक्स करके मु कहि परबि I love each. मींस मु समस्त को विषय कहली तो एठी each हे जबो गोटे इंडेफिनिट प्रोनाउन I love each हे जबो गोटे
इंडेफिनेट प्रोनाउन मीन्स मु समस्त को भल पाए प्रत्येक को भल पाए। नेक्स्ट देखिए डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहले दिस दैट दिस दोज ए सब हेउची गोटे डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन जे नाउन को पॉइंट आउट करिथाय। जो वर्ड नाउन को पॉइंट आउट करिथाय बा नाउन को पॉइंट करिथाय ताकु हमें कोन कहबा डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जेमते कहबा कि दिस इज माय बुक एटी बुक हेउची गोटे नाउन नाउन को पॉइंट करूची कि नै कि दिस इज माय बुक एटा मो बही दिस इज माय बुक नाउन को पॉइंट करची तो दिस सही गला ओटे डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेमते कहबा कि दैट इज अ पेन सेटा गोटे कलम बा सेटा गोटे कलम अटे तो पेन जोटा कि गोटे नाउन नाउन को ही पॉइंट कला ना दैट वर्ड तो दैट हेला गोटे डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके लास्ट प्रोनाउन देखिबा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहले कौन फर्स्ट आम जानवे कि इंटरोगेटिव मीन्स कौन प्रश्न पचारक प्रश्न करवा तो से इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहले से डब्ल्यूएच वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स ही थी जमीक व्हाट व्हिच हूज हुम ओके ये सब हो गोटे गोटे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ए सब वर्ड को लेकिन आम क्या प्रश्न ही तो पचारि था ओके जहाँ को प्रश्न पचारे व्यवहार करा जाए आंसर केवल नाउन बा प्रोनाउन ही आसी था तो आम जानले कि जो वर्ड को नहीं आम क्वेश्चन करवा प्रश्न पचार आंसर में नाउन आसुव ना प्रोनाउन आसुव कहीं प्रोनाउन सेवेन टाइप्स रही है जानले सेमती नाउन रही टाइप्स रही जोटा कि आम पढ़ीचे नाउन क्लास रे ओके तो अभी आम क्वेश्चन देखा कि व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम ये व्हाट हो गए इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहीं आम प्रश्न कले कि तुम नाम कौन जब आप कह माय नेम इज रवि तो रवि कौन गोटे ना जोटा गोटे नाउन हो गला तो आंसर कौन आसला नाउन आसला सेमती कह कि हु आर यू ओके आपको नाम कहे बाटा गोटे नाउन हो ना कह कि व्हिच इज योर बैग तुम बैग कौटा व्हिच इज योर बैग तुम बैग कौटा एंड जब आंसर आसूच कि दैट इज माय बैग बा दिस इज माय बैग तो ये दिस दैट गोटे प्रोनाउन हो गला जोटा गोटे डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन आम एटिके समय पूर्व पढ़ले ओके